अच्छा पड़कनाती तवलची वहाबी कहता है नहीं ये बिदत है बिदत है बिदत है। ये फर्क क्यों है? क्या आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी है? हमने कोई दूसरी किताब पढ़ी नहीं। जो किताब आपने पढ़ी है खुदा की कसम वही किताब हमने भी पढ़ी है। तो ये फर्क क्यों है? आप बिदअत कहते हैं, हम सुन्नत मुस्तफा मानते हैं, ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये फर्क है तो बस नजर का फर्क है। आपने बुखारी छापी, बुखारी आपने छापी है, बरेली से बुखारी छपी नहीं है। बुखारी छापी आपने है, पढ़ी हमने है, मगर फर्क है तो बस नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ो अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रज़ा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इसी मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी है। ये लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोर से बोलो भाई। चूंकि मुझे तकरीर का वक्त नहीं दिया मुनासिब, इसलिए मैंने बगैर किसी तमहीद के तकरीर करने का फैसला किया। चूंकि रात का आखिरी हिस्सा है, अब मैं लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ूंगा, फिर किसी न किसी आयत का इंतखाब करूंगा, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करूंगा, फिर उसका तर्जमा बयान करूंगा, फिर उसकी तफसीर बयान करूंगा, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करूंगा। उसके बाद तकरीर का नंबर आता है। तो मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। ये आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हमें और आपको सबको यहाँ जमा किया गया है। हम अहले सुन्नत का जमात गौसो ख्वाजा रजा और हामिदो मुस्तफा और मुकर्रबीन बारगाह इलाही के मुकद्दस आस्तानों पर हाजिरी देने वाले खुश अकीदा मुसलमान आमदे मुस्तफा की खुशियां मनाते हैं, जिक्र मुस्तफा की खुशियां मनाते हैं, मिलाद मुस्तफा करते हैं, मिलाद नबी करते हैं। तो ये अदियान बातला फिरकाए बातला गुस्ताखाने औलिया गद्दाराने खुदा बागियाने रसूल ये कहते हैं कि ये जिक्र अज़कार की महाफिल, ये मीलाद मुस्तफा का मनाना, ये जश्न आमद मुस्तफा मनाना, ये बिदअत है। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद किया, दीन में इसकी कोई असल नहीं, कोई हकीकत नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम और आप सब आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में यहां जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहां जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आमदे मुस्तफा का जिक्र कोई आज से नहीं हो रहा है। जी, आमदे मुस्तफा का जिक्र सबसे पहले कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज कुन से अव्वलीन व आखिरीन को जाहिर फरमाया और आलम अरवाह में
अपनों को बेगानों को दुरूद पढ़ने वालों को राह में कांटे बिछाने वालों को मोमिनीन को मुशरिकीन को मुल्हदीन को नेचरीन को चकड़ालेबीन को काफिरीन को सबको जमा किया, सिद्दीकीन को शोहदा को सवालेहीन को मर्दों को औरतों को जितनी रूह है दुनिया में भेजना था अल्लाह ने सबको जमा किया और सबको जमा करके फरमाया अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। सारी रूहें खामोश, उन रूहों में रूहे मोहम्मदी भी मौजूद थी। सबसे पहले रूहे मोहम्मदी ने जवाब दिया बला शहदना, तो सबों ने कहा बला शहदना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा इजलास मुनक़िद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पहला इजलास ला इलाहा इल्लल्लाह पर और दूसरा इजलास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। तमाम गैर नबी को बाहर कर दिया, सिद्दीकीन की अरवाह को, शोहदा की अरवाह को, सालेहीन की अरवाह को बाहर कर दिया। अब सिर्फ मुंतखब अंबियाए किराम की अरवाह तैयबात को अल्लाह तबारक व तआला ने ठहरा कर उनसे फरमाया कि ए आदम, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने वाला हूँ। ए आदम, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तदार में आ जाए, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तियारते नबुव्वत में आ जाए, तो तुम पर लाजिम ये है कि तुम उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना, उनकी हिमायत करना। ए आदम, मैं तुम्हें खलीफतुल्लाहिल आजम बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ए आदम, ये तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नूह, मैं तुम्हें मुर्सलीन की जमात में शामिल कर रहा हूँ, उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूँ। ए नूह, तुम्हें आदमे सानी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। या नूह, ये कलमा तुम्हारे दौर में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इब्राहिम, मैं तुम्हें उलुल उज़्म पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए इब्राहिम, ये कलमा तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इस्माइल, मैं तुम्हें मुर्सलीन की जमात में शामिल कर रहा हूँ, उलुल उज़्म पैगंबर बनाकर भेज रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ए इस्माइल, ये कलमा तो तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, मैं तुम्हें उलुल उज़्म पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूँ। ए मूसा, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजूंगा, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तदार में आ जाए, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तियारात नबुव्वत में आ जाए, तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी मदद करना। मैं तुम्हारे साथ एक कलमा दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, मैं तुम्हें उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा
होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस दुनिया में भेजने वाला हूँ। अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तदार इख्तियार नबूवत में आ जाए तो तुम उनकी मदद करना। लोगों मैं आपको चाहता हूँ कि ये अदियाने बातला, ये फिरका ए बातला, ये गुस्ताखाने औलिया, आमदे मुस्तफा का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि ये बिदअत है, ये ज़माने रसूल में नहीं होता था। आमदे मुस्तफा का जिक्र, मीलादे मुस्तफा का जिक्र, जिक्र मुस्तफा की महाफिल जो है वो मुस्तफा के जमाने में नहीं होता था। ये तो बरेली से मौलाना अहमद रज़ा ने ईजाद कर दिया है, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। अब मैं आपसे ना चाहता हूँ कि हम जब आमदे मुस्तफा का जिक्र करें तब ये नादान कहते हैं कि ये बिदअत है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आलमे अरबाह में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहा है, इख्तदार का जिक्र कर रहा है, इख्तियार का जिक्र कर रहा है, सीरत का जिक्र कर रहा है, सूरत का जिक्र कर रहा है, आमद का जिक्र कर रहा है, तो आमदे मुस्तफा का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है और आमदे मुस्तफा का जिक्र सुनना सुन्नत अंबिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजु सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आमदे मुस्तफा का जिक्र करें तो ये नादान कहे बिरा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र फरमा रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा मेरे मुस्तफा की आमद का जिक्र कर रहा है, तो आमदे मुस्तफा का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है और आमदे मुस्तफा का जिक्र सुनना सुन्नत अंबिया है। लोगों अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि जमाने रसूल में आमदे मुस्तफा, मीलादे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, मोजज़ाते मुस्तफा का जिक्र नहीं होता था। ये तो बरेली से मौलाना अहमद रज़ा ने ईजाद कर दिया, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। ए लोगों अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक हदीस मुझे याद आ रही है कि आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में दीवारे काबा से टेक लगाकर मीज़ाबे रहमत के नीचे, दीवारे काबा से टेक लगाकर हतीमे काबा में तशरीफ फरमा है, बैठे हुए है रौनक अफरोज। ऐसे आलम में जानिसार वफादार सहाबा भी रौनक अफरोज हैं, बैठे हुए मेरे मुस्तफा अपने असहाब को अहकामे इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीगे इस्लाम के तरीके बता रहे हैं, इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफा अपने असहाब को तबलीगे इस्लाम के तरीके बता रहे हैं, ऐसे आलम में मेरे मुस्तफा के मुकद्दस कंधे पर एक नूरी चादर पड़ी हुई है, एक बरकत वाली चादर पड़ी हुई है, एक अजमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक रहमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफा के मुकद्दस दोशो मुबारक पर पड़ी हुई है। मेरे मुस्तफा अपने असहाब से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बता रहे हैं। रसूलुल्लाह ने बस थोड़ा सा सर उठाया, सामने देखा कि एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस खातून उधर से आ रही है। सुभान अल्लाह,
एक मुकद्दस खातून उधर से तशरीफ ला रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खातून की आमद को देखा, उस खातून को आते हुए देखा, तो मेरे मुस्तफा के लबाए नास पर खुशी के आसार जाहिर हो गए और मेरे मुस्तफा के लबाए नास पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो गए। मेरे मुस्तफा बहुत गौर से उस मुकद्दस खातून को देख रहे हैं। वो खातून करीब आई और करीब आई और करीब आई। मेरे मुस्तफा ने जब उस मुकद्दस खातून को आते हुए देखा तो फौरन ही खड़े हो गए, कयाम कर लिया, हालत कयाम में आ गए। जब मेरे मुस्तफा ने कयाम किया, सहाबा ने देखा, सहाबा भी हाथ बांध कर खड़े हो गए। वो खातून और करीब आई। मेरे मुस्तफा ने अपने मुकद्दस दोशे मुबारक से वो अजमत वाली चादर उतारी, वो बरकत वाली चादर उतारी, वो रहमत वाली चादर उतारी, वो शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अपने दोशे मुबारक से उतारी और उस मकाम पर पड़ी मोहब्बत के साथ वो चादर बिछा दी। अब मैं आपसे ना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अम्मा जान आप इस चादर पर बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। जानते हो वो खातून कौन है? वो खातून कोई रसूलुल्लाह की हकीकी माँ नहीं है, वो मुकद्दस खातून रसूलुल्लाह की रजाई माँ है। उस खातून का नाम है हजरत दाई हलीमा। बैठ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा ने अपनी रजाई माँ को आते हुए देखकर जो कयाम किया, ये कयाम कौन सा कयाम है? ये कयाम ताजीमी है, कोई हकीकी माँ नहीं है, रजाई माँ है। रसूलुल्लाह ने अपनी रजाई माँ के लिए कयाम ताजीमी कयाम किया है, कयाम ताजीमी किया मेरे मुस्तफा ने। तो ये लोगों को कयाम कयाम में फर्क महसूस करो। हम नमाज में जो कयाम करते हैं वो कयाम ताबुदी है और मिलाद के बाद जो कयाम करते हैं वो कयाम ताजीमी है। ये लोगों कयाम ताबुदी और है, कयाम ताजीमी और है। कयाम कयाम में फर्क महसूस करो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हजरते दाई हलीमा रसूलुल्लाह की रजाई माँ रसूलुल्लाह की नूरी चादर पर दीवारे काबा से टेक लगा कर बैठ गई। मेरे मुस्तफा भी तशरीफ फरमा हो गए, सहाबा भी बैठ गए। ए लोगो, अब मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा जान मेरा बचपन मुझे सुनाओ। सुभान अल्लाह। मेरी आमद का जिक्र मुझे सुनाओ। अब हजरत दाई हलीमा मुस्तफा को आमद मुस्तफा का जिक्र सुना रही है। कैसे लाई, कैसे ले गई, बचपन के हालात बता रही हैं, बचपन की सीरत बता रही हैं, बचपन की सूरत बता रही हैं, बचपन के मोजज़ात बता रही हैं, आना जाना बता रही हैं, मुस्तफा के बचपन के हालात सुना रही हैं, सहाबा सुनते जा रहे हैं, मुस्तफा के बचपन के हालात, बचपन के जिक्र सुनते जाने जा रहे हैं, आमदे मुस्तफा सुनते चले जा रहे हैं, और सहाबा ने फरवरे मोहब्बत में नारे तकबीर बुलंद कर दिया। लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आमदे मुस्तफा का जिक्र सुनने के बाद नारे तकबीर बुलंद कर देना, ये सुन्नते सहाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजु सुन्ना। लोगों, मैं आपको चाहता हूं कि अब हजरते दाई हलीमा मुस्तफा को मुस्तफा की आमद का जिक्र, इक्तदार का जिक्र,
اختیار کا ذکر سیرت مصطفیٰ سورت مصطفیٰ بچپن کے حالات بچپن کے معجزات بتا رہی ہیں اے لوگو اب ہم آمد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں آمد مصطفیٰ کانفرنس ہے نا تو آمد مصطفیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں آمد مصطفیٰ میں ہم یہی تو ذکر کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بچپن بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کے اقتدار کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کی صورت کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کے معجزات بیان کرتے ہیں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہم کرتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے سامنے کیا کر رہی تھی گویا ذکر آمد مصطفیٰ کر رہی تھی تو ذکر آمد مصطفیٰ کا سننا سنت مصطفیٰ ہے سنت صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر میزاب رحمت کے نیچے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت دائی حلیمہ کیا کر رہی تھی تو گویا آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہی تھی ذکر مصطفیٰ کر رہی ہیں آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ بیان کر رہی ہیں تو میلاد مصطفیٰ کا منعقد کرنا آمد مصطفیٰ کے ذکر کے لیے انتظام و اہتمام و انسرام کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہے سنت اچھا پڑھ قناتی تملچی وہابی کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے یہ فرق کیوں ہے کیا آپ نے کوئی دوسری کتاب پڑھی ہے ہم نے کوئی دوسری کتاب پڑھی نہیں جو کتاب آپ نے پڑھی ہے خدا کی قسم وہی کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے تو یہ فرق کیوں ہے آپ بدعت کہتے ہیں ہم سنت مصطفیٰ مانتے ہیں یہ فرق کیوں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے آپ نے بخاری چھاپی بخاری آپ نے چھاپی ہے بریلی سے بخاری چھپی نہیں ہے بخاری چھاپی آپ نے ہے پڑھی ہم نے آئے مگر فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے یہ لوگوں اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں ذکر آمد مصطفیٰ بھی مل جائے گا ذکر آمد مصطفیٰ بھی ملے گا میلاد مصطفیٰ بھی ملے گا حاضر و ناظر ہونا بھی مل جائے گا حیات النبی ہونا بھی مل جائے گا نماز میں نبی کا خیال لانا بھی مل جائے گا مصطفیٰ کا نور ہونا بھی مل جائے گا لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھ سے عداوت کا چشمہ اتار کر پھینک دیجئے اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو تو بخاری میں تو سب کچھ بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں رات کے اس آخری حصے میں مجھے ٹائم دیا گیا ہے کہ صاحب تقریر کیجئے ظاہر ہے کہ اب یہ رات کا آخری حصہ ہے میں اپنا دل بھی نکال کر رکھ دوں گا تو آپ بس دیکھیں گے یہ دل یہ ہل کیوں رہا ہے یہ ہے کیا آپ کی سمجھ ہی اس لیے کہ آنکھوں میں نیند ہے نیند کے وقت تقریر نہیں سنی جاتی ہے تقریر آنکھیں کھول کے منہ بند کر کے سنی جاتی ہے اب دیکھیں لوگوں کے منہ کھل رہے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں میں آیا تو کلکتہ سے ہوں لیکن میں بنگالی رسگلہ لانا بھول گیا
बंगाली रसगुल्ला ले आता मैं तो खुले में मुंह में बंगाली रसगुल्ले की तरह अपनी तकरीर रख देता, आप गुटक जाते। तो मैं कलकत्ता से आया मगर बंगाली रसगुल्ला लाना भूल गया। तो मेरी तकरीर कोई बंगाली रसगुल्ला नहीं है कि आपके खुले हुए मुंह में मैं रसगुल्ले की तरह तकरीर रख दूं। तकरीर जागते हुए सहन के साथ मुंह बंद करके आंखें खोल के सुनी जाती है। अब वो वक्त आ गया कि आंखें बंद हो रही हैं, मुंह खुल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको जिक्र मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा की बरकतें नसीब फरमाए। ये कहते हैं कि ये बिदअत है, आमदे मुस्तफा का जिक्र करना, मीलादे मुस्तफा का जिक्र करना बेदत है। आमदे मुस्तफा की खुशी में झंडे लगाते कि नहीं लगाते हैं? जोर से बोलिए, बोलो भाई झंडे लगाते कि नहीं लगाते? ये आमदे मुस्तफा की खुशी में आपने झंडे लगाए तो आपके मसलक का बागी, आपके मसलक का दुश्मन बरकीदा जब झंडा देखता है घर के छत पर गुंबद खजरा का लगा हुआ झंडा देखता है या खाने काबा का लगा हुआ झंडा देखता है तो कहता है ये बिदअत है, बिदअत। अच्छा, हमने जब मुस्तफा की आमद की खुशी में, आमदे मुस्तफा की खुशी में घर की छत पे झंडा लगा लिया तो आपको बिदअत नजर आने लगी। आपने कहा बिदअत, और जब तुम अपने घर की छत पे लालटेन वाला झंडा लगाते हो तो बिदअत याद नहीं आती, साइकिल वाला झंडा लगाते हो तो बिदअत याद नहीं आती, पंजे वाला झंडा लगाते हो तो बिदअत याद नहीं आती। हम जब मुस्तफा की मोहब्बत में, आमदे मुस्तफा की मोहब्बत में घर का झंडा लगा दे तब आप कहे बिदअत, मगर जब तुम अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने घर पर जब तुम झंडे लगाओ सियासी पार्टियों के तब तुम बिदअत नहीं कहते हो? तब बिदअत आपको क्यों नहीं याद आती? जब हम आमदे मुस्तफा की खुशी में जश्न मनाते हैं, महफिल करते हैं, जिक्र मुस्तफा की महफिल करते हैं तो आप कहते हैं बिदअत, आमदे मुस्तफा के लिए। अब मीलादुन नबी कह लो, मौलूदुन नबी कह लो, मीलादे मुस्तफा कह लो, आमदे मुस्तफा कह लो, ये सब एक ही माना में है। अच्छा चलिए, आप कौन सी जुबान बोलते हैं? ये यहां कौन सी जुबान बोली जाती है? जुबान कौन सी बोली जाती है? वो तो हम सब अहले सुन्नत व जमात हैं। आप उर्दू बोलते हैं ना? तो जब उर्दू बोलते हैं आप तो उर्दू में आप जन्मदिन को क्या कहते हैं? यौमे पैदाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्थडे। हिंदी में क्या कहते हैं? जी जन्मदिन। तो बंगला में क्या कहते हैं? मुंह गोल कर लेते हैं, बिल्कुल गोल, एकदम गोल, जन्मदिन। बंगला में कहते हैं जन्मदिन, हिंदी में जन्मदिन एकदम सीधा सीधा, अरबी में मौलूदुन नबी, मीलादुन नबी। जब हम मीलादुन नबी करते हैं तो ये चपड़नाती तवलची वहाबी देवबंदी कहता है ये बिदअत है, मगर जब तू अपने बाप का यौमे विलादत बनाता है तब तू बिदअत क्यों नहीं कहता? हम जब अपने नबी का यौमे विलादत बनाए तब आप कहे बिदअत, जब हम अपने नबी का यौमे पैदाइश मनाए तब आप कहे बिदअत, मगर जब तुम अपने बेटे का यौमे विलादत मनाते हो तो बिदअत क्यों नहीं कहते? तब बिदअत याद नहीं आती है? मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आप बिदअत के नाम से कौम को धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये अपने बाप दादा का यौम विलादत मनाते हैं तो बड़ी खुशियां मनाते हैं। बस समझ में आ गई बात कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी विलादत की खुशी आप मना रहे हैं, और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी आमद की खुशियां हम मना रहे हैं। फैसला हो गया कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका झंडा फहरा रहे हैं, और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी आमद की खुशी में गुंबद-ए-खज़रा का झंडा लहरा रहे हैं। फैसला हो गया आपको किससे मोहब्बत है और हम अहले सुन्नत व जमात को किससे मोहब्बत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आमदे मुस्तफा का जब जिक्र होता है तो हमारे यहां शीरीनी तकसीम होती है। तबर्रुक तकसीम करते हैं। आपके यहां कुछ होता है तकसीम? देहातों में कुछ तकसीम करते हैं कि नहीं करते? यहां कुछ इंतजाम है कि नहीं है? है ना इंतजाम? अब क्या इंतजाम है वो तो आप बेहतर जानिए। मगर जब आमदे मुस्तफा का जिक्र होता है तो इख्तिताम पर कुछ ना कुछ तबर्रुक जरूर तकसीम किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने आमदे मुस्तफा का जिक्र किया, जिक्र आमदे मुस्तफा की महफिल का इनेकाद किया, तो इख्तिताम आमदे मुस्तफा पर अल्लाह ने कुछ तबर्रुक तकसीम किया कि नहीं किया? मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, अल्लाह ने भी आमदे मुस्तफा के जिक्र के बाद तबर्रुक तकसीम किया। शीरीनी तकसीम की, तबर्रुक तकसीम किया। हमारे यहाँ लड्डू तकसीम करते हैं, जलेबी तकसीम करते हैं, इमरती तकसीम करते हैं, कुछ हलवा बना लेते हैं, कुछ जनाब कुछ शीरीनी बना लेते हैं, कुछ खीर बना लेते हैं, कुछ शीरीनी बना लेते हैं, कुछ तबर्रुक सामने रखते हैं, फातिहा देते हैं, उसके बाद तबर्रुक तकसीम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम और आप आमदे मुस्तफा के जिक्र के बाद जब तबर्रुक तकसीम करते हैं तो क्या अल्लाह ने भी तकसीम किया? मैं कहना चाहता हूँ हाँ, अल्लाह ने जब जिक्र आमदे मुस्तफा फरमाया तो इख्तिताम पर अल्लाह ने तबर्रुक तकसीम फरमाया। मगर फर्क ये है कि बंदा जब तकसीम करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक करेगा, मगर खुदा जब तकसीम करेगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक करेगा। अल्लाह ने इख्तिताम आमदे मुस्तफा पर जब तबर्रुक तकसीम किया है तो जानते हो कैसा कैसा तबर्रुक तकसीम किया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आमदे मुस्तफा की महफिल में मौजूद थे, हजरत आदम ने अपना दामन फैलाया है तो उनको खलीफतुल्लाहिल आजम बना दिया गया है, हजरत नूह ने दामन फैलाया है तो आदम इस्मानी बना दिया गया है, हजरत दाऊद ने अपना दामन फैलाया है तो ज़बूर दे दिया गया है, हजरत मूसा ने दामन फैलाया है तो तौरात दे दिया गया है, हजरत ईसा ने दामन फैलाया है तो इंजील दे दिया गया है। ये सब मेरे मुस्तफा की आमद के सदके में तबर्रुक तकसीम हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिद्दीक भी तो मौजूद थे, अबू बकर भी तो मौजूद थे, उमर फारूक भी तो मौजूद थे, उस्मान भी तो मौजूद थे, मौला अली भी तो मौजूद थे, अब्दुल कादिर भी तो मौजूद थे, गरीब नवाज भी तो मौजूद थे, मुइनुद्दीन भी तो मौजूद थे, अहमद रजा भी तो मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अबू बकर को क्या मिला? लोगों आमदे मुस्तफा की महफिल के पहले सेशन में हजरत अबू बकर मौजूद हैं। जब अबू बकर ने अपना दामन फैलाया तो उन्हें सदाकत दे दी गई, उमर ने जब अपना दामन फैलाया तो उन्हें अदालत दे दी गई, उस्मान ने जब अपना दामन फैलाया तो सहाबत दे दी गई, मौला अली ने अपना दामन फैलाया तो शुजाअत दे दी गई। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक तकसीम हो रहा है। अब्दुल कादिर ने अपना दामन फैलाया तो गौसे आजम बना दिए गए, मोइनुद्दीन ने अपना दामन फैलाया तो गरीब नवाज बना दिए गए, अहमद रजा ने अपना दामन फैलाया तो मुजद्दद आजम बना दिए गए, मुस्तफा रजा ने अपना दामन फैलाया तो मुफ्ती आजम बना दिए।
सुभान अल्लाह, ये भी मेरे मुस्तफा की आमद का जिक्र के सच्चे में तबर्रुक मिल रहा है। ए लोगों, पहले सेशन में काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, मिलाद का इनकार करने वाले भी मौजूद थे, आमद मुस्तफा का इनकार करने वाले भी मौजूद थे, जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनकार करने इनकार करने वाले भी मौजूद थे, तो उन्हें भी कुछ मिला होगा। मैं कहना चाहता हूँ हाँ, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिला। वहाँ तुम भी थे, हम भी थे, तो हमें तुम्हें क्या मिला? हमें तुम्हें ये मिला कि आमद मुस्तफा के सदके में मुस्तफा की गुलामी मिल गई, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले बन गए, मुस्तफा के उम्मती बन गए, मुस्तफा की उम्मत इजाजत बन गए। ये भी मेरे मुस्तफा आमद के सस्ते में आपको तबर्रुक मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आमद मुस्तफा के जिक्र का इनकार करने वाले हैं, जो मिलाद मुस्तफा का इनकार करने वाले हैं, आमद मुस्तफा के सस्ते में जो जमीन बनाई गई थी, आमद मुस्तफा के सस्ते में जो आसमान का शामियाना लगाया गया था, चांद और सूरज के चराग जलाए गए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काफिरीन को ये मिला, मुनकिरीन जिक्र आमद मुस्तफा को ये मिला कि मुस्तफा की आमद मुस्तफा की खुशी में बनाई गई जमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का सदका है, आमद मुस्तफा का सदका है कि तुम मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन इस्तेमाल कर रहे हो और मुस्तफा की मीलाद का इनकार भी कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं ए लोगों, आमद मुस्तफा का जिक्र हर दौर हर जमाने में, चूंकि लोग ये समझते हैं कि जो पीर होता है वो गूंगा होता है, उसको बोलना नहीं आता है, मगर प्यारे वो बरेली है, बरेली जहां से जिस बरेली से लोगों को बोलने की हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, जहां से बोलने का सलीका मिलता है, जब उस दयार से मैं आऊंगा तो क्या मैं बोलना नहीं चाहता हूं? अगर न तकरीर कर पाए तो साहब बरेली से आए थे, तकरीर करना नहीं जानते थे। जब आप तकरीर का टाइम देंगे, तकरीर तब होगी ना, ये रात को 4 बजे तकरीर थोड़ी होती है। तकरीर जागते हुए जहन के साथ सुनी जाती है और जागते हुए जहन के साथ तकरीर होती है। अब ये नींद का फितरी वक्त है, चाहे आप हो या हम हो, कोई हो, ये नींद का फितरी वक्त है। इस फितरी वक्त में तकरीर करना, तकरीर सुनना, ये एक हौसले की बात है। अल्लाह ताला आपको हौसला अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए और आज के जिक्र अज़कार की बरकतें अल्लाह ताला हम और आपको सबको नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।